तो आज हमारे पास आई हुई है टाटा जेस्ट। इसका स्टार्टिंग का इशू है, जैसे ही हम की ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप तो ऑन हो जाता है इसका, क्लच पेडल प्रेस करके क्रैंक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, डेड दिखाता है ये। स्कैनिंग वगैरह भी हमने करके देख लिया, स्कैनिंग में कोई ट्रबल नहीं है, तो अभी फिजिकली डायग्नोस करेंगे क्या इशू है। भाई ये टाटा जेस्ट का इंजन बे है, तो हमें फिजिकली डायग्नोस करना है इसको कि कहाँ इशू है। जहाँ तक का मेरे को डाउट है तो वायरिंग वगैरह खाया हुआ है, का एक अर्थिंग का वायर खाया हुआ है चूहे ने, इसके वजह से ये इंजन चालू नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हो गियर बॉक्स पे इसका एक बैटरी अर्थिंग का वायर लगता है, ये इधर इसका बैटरी है, तो ये वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इंजन चालू हो जाएगा हमारा। भाई अर्थिंग का वायर हमने जॉइंट करके टेपिंग कर दिया है, अब इसको वापस हम गियर में लगा देंगे। इस वायर हमने वापस गियर में लगा दिया है, अब हम इंजन को क्रैंक करके देखेंगे कि हमारा इंजन चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए हमारा इंजन फर्स्ट क्लास चालू हो गया है और कोई भी इंडिकेशन भी नहीं है इसमें। ये देखिए इंजन चालू है।